Hello students, today we are going to do book exercise of chapter 2nd of class 3rd English subject. सबसे पहले second chapter the tricky crows, इनके dictation word. सबसे पहला word है strength. Strength means ताकत. Second admired. Admired means किसी की प्रशंसा करना. Serpent. Serpent means काला सांप. रूट केस का मीन्स होता है मूल कारण. ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का मीन्स होता है गहने या जेवरात. सिक्स नंबर पे है गार्ड्स, गार्ड्स का मीन्स रक्षक. सेवन रिटर्न, रिटर्न का मीन्स वापस आना या लौटना. एट नंबर पे है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मीन्स होता है चतुराई. नाइन्थ नंबर पे है नेकलेस, नेकलेस का मीन्स होता है नेक, गले में डालने वाला हार. टेंथ नंबर पे है सजेशन, सजेशन का मीन्स होता है सुझाव देना. तो है वर्ड मीनिंग. फर्स्ट है आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट का मीन्स होता है सरहद तक, या फिर इसका अदर नेम, अदर मीन्स इनका होगा टाउन या सिटी, टाउन और सिटी, कस्बा या शहर. सेकंड नंबर पे क्रैक्ट, क्रैक्ट का मीन्स होता है रेंगना, टू अप्रोच स्लोली, धीरे धीरे किसी चीज तक पहुंचना. थर्ड नंबर पे है इंटीमेट, ए वेरी क्लोज फ्रेंड, गहरा मित्र, करीबी मित्र. फोर्थ नंबर पे है स्वूप, स्वूप का मीन्स होता है मूव रैपिडली डाउनवर्ड्स थ्रू द एयर, तेजी से जमीन पर आना. फिफ्थ नंबर पे आइडिया, आइडिया का मीन्स होता है अंदाजा या सोच, ए थॉट. सिक्स्थ नंबर पे है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मीन्स होता है कॉस्टली या बहुत ज़्यादा महंगी. सेवन नंबर पे है ब्रांडिशिंग, डिशिंग एक्साइटमेंट उत्सुकता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे इसका क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डिड द पेयर ऑफ क्रोज लिव, जो क्रो का पेयर था वो कहाँ रहता था. आंसर, दे लिव्ड इन ए ह्यूज बनियान ट्री, वे एक बहुत बड़े बनियान ट्री पर रहता था. सेकंड नंबर पे है व्हाट हैपन एवरी टाइम द क्रोज ले देयर एग्स, हर बार जो क्रो अंडे देते थे तो उनके साथ क्या होता था. आंसर, द सर्पेंट्स एट ऑल द एग्स, जो सर्पेंट था वो सारे अंडों को खा जाता था. थर्ड नंबर पे है क्वेश्चन, Why did the crows go to the fox? जो क्रो है वो फॉक्स के पास क्यों जाते हैं. आंसर, Because they wanted to know how to get rid of the killer serpents. वे चाहते थे कि हम ये किलर सरपेंट है इससे छुटकारा कैसे पाया जाए. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, Where did the queen keep her ornaments before bathing? जो क्वीन थी वो अपने जो नहाने से पहले जेवरात उतारती थी वो कहाँ रखती थी. आंसर आएगा, इन द ट्रे. इसी के साथ अपने बेटा फर्स्ट लेसन के फोर क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होते हैं. अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अब जो बुक एक्सरसाइज मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड, हार्ड वर्ड और 1-4 क्वेश्चन करवाए हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.